बिग बॉस 18 का धमाकेदार अंदाज हुआ है। विवियन डिसेना काफी अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि विवियन की एक्स वाइफ वाबिस दोराबजी इस शो में एंट्री ले सकती है। और इसी बीच हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार विवियन की पहली पत्नी वाबिस दोराबजी कौन है। तो चलिए गाइज, आपको अपने इस वीडियो में मैं बता देती हूँ आखिरकार क्यों हुआ था वाबिस और विवियन डिसेना का तलाक। अगर आपको नहीं पता है वजह तो चलिए आपको बताना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। दरअसल विवियन और वाबिस की पहली मुलाकात साल 2013 में शो के सेट पर हुई थी। दोनों की नज़रें मिली, प्यार हुआ। साल 2016 में दोनों अलग भी हो गए और तलाक दोनों ने साल 2021 में लिया। अटकलें थी कि एलमनी में वाबिस ने 2 करोड़ मांगे थे, जिसकी वजह से उनके तलाक का प्रोसीजर लंबा और कंट्रोवर्शियल हो गया था। ये भी कहा गया कि वाबिस के जो पोजेसिव बिहेवियर था वो भी इन दोनों के तलाक की बड़ी वजह बना। हालांकि कंफर्मेशन इस बात का नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि विवियन की फीमेल फ्रेंड्स को लेकर अक्सर वाबिस काफी इनसिक्योर रहती थी। वो पति की सक्सेस से भी जला करती थी। बता दें आपको, विवियन संग तलाक के बाद वाबिस ने दूसरी शादी नहीं की। साल 2021 के बाद से वो स्क्रीन पर नहीं दिखी हैं। उन्होंने कई सारे सीरियल्स में काम किया है और वो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। और अब माना जा रहा है कि वाबिस दोराबजी, जो कि विवियन डिसेना की पहली पत्नी है, वो अब बिग बॉस 18 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ले सकती है। हालांकि अभी तक ये तमाम जो चीज़ें हैं ये कंफर्म नहीं हुई हैं कि वो इस शो में आ रही हैं, क्योंकि वाबिस की तरफ से इस पर कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ी गई है। लेकिन ये बात साफ है कि वाबिस और अगर विवियन एक बार फिर से आमने सामने होंगे तो यकीनन इन दोनों के जिंदगी से जुड़े कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि जब दोनों का तलाक हुआ तो ये दावा किया गया था वाबिस की तरफ से कि जो विवियन है वो उन्हें टाइम नहीं देते थे, दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ों को लेकर मतभेद रहता था। कहा गया कि जो वाबिस है वो काफ़ी इनसिक्योर रहती थी विवियन की फीमेल फ्रेंड्स को लेकर। बहरहाल, वीडियो कैसा लगा, क्या है आपकी राय, ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही।